और सरप्राइज आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमारे हैं सारे फास्ट फास्टिंग में भी अचानक बना प्रोग्राम। और हम कहाँ जा रहे हैं मैं बता नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिलेंगे। 2 दिन छुट्टी चाहिए होती है, पूरा दिन भागते रहते हैं, मशीन बन चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं, बताते हैं अभी आपको। और अभी हम कहाँ पर आए हैं बताएं। अभी हम आए हैं गोवा में, और गोवा का ये एयरपोर्ट इतना सुंदर लग रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा है अभी इस समय। और सबसे ब्यूटीफुल लग रहा है ये नया बना है एयरपोर्ट गोवा का, ब्यूटीफुल, इतना सुंदर। बाबू कंट्रोल। और इन बच्चों की लड़ाई शुरू हो चुकी है अभी तक यहाँ पर। भैया कहाँ से आए आप लोग? देहरादून से आए हो? अरे वाह, हमने आपके ब्लॉग देखे। चलो भैया भी ब्लॉग में आ गए इसी बात पे। लेकिन इतना सुंदर बना भैया यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये बन गया सारा एयरपोर्ट बिल्कुल न्यू। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। चले, और हमने लिए अपनी कार। ये गोवा में आके सिर्फ अपनी कार लेनी चाहिए। सिखर तो पैर नु जान मेरी ते कातों बदलियां छायां ने। ये है मैरियट की प्रॉपर्टी। मैरियट आप लोग बस मैसेज कर दो, आज ब्लॉग में और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज नवरात्रा है, शेफ स्पेशली आए हैं ऑर्डर लेने के लिए। क्या मैं आपकी किचन में आके बना सकती हूँ? चलो तो ठीक है। फिर आपने साबूदाना लेना है, उसमें टमाटर में करके सिर्फ आलू और पनीर यूज़ कर सकते हैं, अदरक और हरी मिर्चें बस ना, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ उसकी एक और आलू की सब्ज़ी, सिर्फ टमाटर डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च, नमक और बस, दैट्स इट, डन। सबसे अच्छा है यहाँ का व्यू। अरे वाह, बहुत सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया का मतलब बहुत ही बढ़िया। हमने कल कहीं और रहना है, परसों कहीं और रहना है, रोज़ हम लोग चेंज करेंगे। तो आज के लिए ये रूम, बट छोटू सा प्यारा सा। अरे वाह, मौसम बहुत अच्छा है यार। और ये मैं फूड प्लेटर एंड गोभी, बट मैंने तो बिल्कुल भी इसको ऑर्डर नहीं किया। मैंने आपको ऑर्डर नहीं किया। आलू गोभी अदरक किया? आलू किया। या तो ये क्या है दिखाना, फूड प्लेटर। अरे वाह, और वो दिखाना। अरे वाह, थैंक यू। तो हम आ गए हैं, वाह वाह। फटाफट हमने किए कपड़े चेंज, पहले आ गए हम यहाँ पर। अरे वाह, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। जोर से बोलो जय माता दी। सारे फास्ट हैं, और ब्रेकफास्ट कब किया है अभी 10:30 बजे मैरियट में आके। वाह जी वाह। हेलो बेटा जी, क्या हाल है आपके? हम आ चुके हैं यहाँ पे। अरे वाह, VIP बोट में घूम रहे बच्चों, इसको देखो। क्या हम अकेले ही जाएंगे सर? और क्या? क्यों?
देखो सिर्फ हमारे लिए एक क्वेश्चन पूछना है सर आपसे, आप फोटो रील क्यों नहीं बनवाते? याद रखना भी जाते हुए बात करेंगे आपने मुझे कहाँ देखा था? आपको बच्चों का इतना प्यार है, इतना प्यार है, मतलब मैं भी अंदर आई हूँ। और हमने कैच कर लिया मैम को, और खासकर नेल्स से, मैम के नेल्स की वजह से हम वीडियो पे देखते हैं। देखो एक और आ गई। अच्छा आप कहाँ से आए हो? कहाँ से? इंदौर से। आप कहाँ से आए हो? मैंने आपके वीडियोस देखे, ये पंजाब। सोचो कि एक एक छोटी सी एक चीज है, कौन बंदा कहाँ पर होता है और हम लोग कैसे मिलते हैं। बताओ किसके बारे में क्या बताना है, जल्दी बताओ, फेस या हेयर? हाँ जल्दी आप फटाफट सामने आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो आज मेरी यहाँ पर भी एक क्लास लगी है, जो मैं अभी आज सलून से भाग कर आई थी क्योंकि मेरी वहाँ बहुत क्लास चल रही थी, फिर मैं यहाँ पर आई, यहाँ बच्चे मिल गए। चलो आपको स्किन ऑयली स्किन है, आप जब जब स्पाइसी वगैरह खाओगे तो आपके यहाँ पर एकदम उठने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा आपको संभालने की कोशिश करें। सुबह उठते हो जो जैसा है बस अपने आप को आपने ऐसे ही रखा हुआ है, क्या खाया क्या पिया आपको दुनिया का कुछ नहीं पता। आपको पता है किया कपड़े पहने, आम रेडी खाए ना, यस। और कोई क्या टेस्ट बताओ, शेयर बताओ। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपके साथ कौन है? चलो अब आप लोगों ने हाँ ना बोलना है, ठीक है? हाँ मुझे ही बता देना एक एक करके। आपका नेचर अच्छा है, आप इंसाफ करना पसंद करते हैं, आप कभी किसी के दिन देना में नहीं जाते, आपको जो मिलता है आप कहते हो बस बहुत अच्छा आया नहीं, परेशान है। थैंक यू सो मच। बाय प्रोफेशन में सिंगर। अरे वाह, कहाँ पर? इंदौर में ही। अच्छा, और फ्रीलांसिंग करती हूँ, कभी आपको जरूरत पड़े तो फॉर श्योर आप मुझे बुलाएं। अरे मेरा बच्चे, आप दिल्ली आते हो कोई की नहीं आते हो, आप मेरा नंबर लेंगे जब भी आए जरूर जरूर बताएं। इसके आगे बारे में बताना, जल्दी बताओ फटाफट। सिर्फ फैशन से भी आ रहे हैं, कभी कहीं गए घर पे किया था, कहाँ से करवाया था 2000 रुपये, बस यही करवाया, कुछ शौक नहीं है, बाल नहीं है बांधने, कभी प्रेसिंग की कभी ऑयलिंग की, बाल किया कट किया, जल्दबाजी में हेड वॉश करते हैं। आपको वॉश करने की इतनी जल्दी होती है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत झड़ा है। आप बताना चाहेंगे आपको नंबर आप लोगों ने। तो जैसे आप जूस खा रहे हैं तो क्या आप फ्रूट्स पीते हैं? तो स्ट्रॉ किसमें लगा? सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं अब। और ये शेफ इतने स्वीट हैं, स्पेशली ये बनाकर लेकर आए हैं। थैंक यू शेफ, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू यार, पता है हम कितने महीनों से सोए नहीं हैं, हम लोग सिर्फ गोवा में सोने के लिए आते हैं। सो नाइस ऑफ यू, मैंने इसको बड़े प्यार से बोला है, 1 बजे तक कहती है ओके मैम कोई बात नहीं। थैंक यू यार, बहुत अच्छा स्टे रहा, आपका शेफ बहुत अच्छे हैं, स्पेशली उन्होंने मुझे फास्ट वाला खाना खिलाया, सब कुछ 100 में से 100 नंबर। Oh,
लैशेस लाइक ब्लू रेड कलर और ये ओह माय गॉड दिस इज सीरियसली आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ बट आई एम सीइंग लाइक यू नो रियलिटी नाउ सो आई एम लाइक ओरिजिनल है बच्चे ओरिजिनल है आई लव दिस आई लव योर आउटफिट एवरीथिंग इज अमेजिंग अरे यार बस इस पे घूमते रहो कुछ मत करो और इस पे घूमते रहो चलो अब चलो जी फटाफट right to your beautiful room okay and I'll show you around to the property as hum log pehle bhi ruke hue waise welcome back ma'am welcome back welcome to your paradise oho oh ye सबसे ब्यूटीफुल लगता है मेरे को ये यस वी हैव अ बालकनी रूम मैम फॉर पार्टी एरिया हां सेम इसके नीचे वाला था हमारा रूम लास्ट टाइम ना बाहर आकर भी जब सारे फास्ट रखे हैं तो खाना है ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट बट कुछ भी नहीं खा सकते खाने में मिलेगा साबूदाना खिचड़ी आलू और आज का हमारा वाह वाह हॉलीडे अपने में बहुत ब्यूटीफुल है अरे वाह बहुत ही बढ़िया और यस आज की है हमारी ये लुक आज हम रुके हैं हॉलीडे में और अब हम जा रहे हैं यॉट में मतलब अगर आप गोवा आए और यॉट में नहीं गए तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ किया है यहाँ पर है अच्छा अच्छा कैसीनोज क्लब्स एंड बहुत कुछ मैं भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पे ली है हमने अपनी यॉट अपनी का मतलब अपनी ये और यस इसमें है आपके टू बेडरूम जितनी लास्ट टाइम हम इस पे गए थे यस लास्ट टाइम इस यॉट पे थे और इस बार इसमें है टू बेडरूम्स और बहुत कुछ है दिखाती हूँ भी आपको चलती रहेगी और ये आपका ड्राइंग रूम और ये आपकी छोटी सी किचन अरे वाह और ये आपका फर्स्ट बेडरूम और ये सेकंड बेडरूम अरे वाह Thank you.
कहाँ पर देखा था? और अपने हेयर के लिए आप कब आ रहे हो? चलो मिलते हैं जल्दी। तो एयरपोर्ट पे उतरते ही इतने सारे फैंस, कहाँ पे रहते हैं आप लोग? हरियाणा। अरे वाह, आप कहाँ रहते हैं? हरियाणा। सारे हरियाणा से आए हुए हैं? हरियाणा, महेंद्रगढ़। अरे वाह। फाइनली पहुंच गए दिल्ली। सबसे मुश्किल क्या लगता है पता है? सबसे मुश्किल लगता है कि एक बेटा चला गया अभी बॉम्बे और अभी एक वहीं पर है, रात को आएगा, फ्लाइट हुई नहीं थी। तो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों के बिना रहना। मतलब मेरे को बेसिकली ये लगता है कि हर महीने एटलीस्ट 2 से 4 दिन बच्चों के साथ में होना चाहिए, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। और भागना, मतलब आज सोचो तो 2 दिन से अगर मैं सैलून में नहीं हूँ तो ये है कि कितने क्लाइंट्स परेशान हुए हैं, कितने क्लाइंट्स आए नहीं, वो बार बार देखते रहते हैं स्टोरीज कहाँ पर है। तो अभी जैसे ही सबको पता लगा कि मैं आ रही हूँ और इतने सारे कॉल आ रहे हैं, मैम आ पा रहे हो, ये प्यार है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और मेरे को ये लगता है कि हर बंदे को जो इतना बिजी होते हैं कहीं ना कहीं पे अपनी फैमिली के साथ में 2-3 दिन स्पेंड करने चाहिए बढ़िया वाले। और ये लगता है कि फिर आप रिफ्रेश हो जाते हो और आप रिचार्ज हो जाते हो। आपको ये लगता है कि हाँ बस ठीक है, अब 26 दिन बहुत काम करना है। तो अगर आपके साथ में भी अगर आप वर्किंग है और बहुत बिजी रहते हैं तो आप भी ये सब करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बच्चे तो मेरी जान है। हमने वो टाइम देखा है जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो अगर आज हम इतने बिजी होते हैं तो मेरे को लगता है कि 2-4 दिन बच्चों के साथ में गुजारना चाहिए। बाय। जय माता दी। आप ये सोचो 4 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। कुछ का मतलब कहने को 5 स्टार जहाँ सब कुछ है। मैंने बोला गोवा है, चल यार थाली वगैरह तो मिल ही जाएगी, ऑफिस है इंडिया में ही है। कहीं पर उनको कुट्टू का आटा नहीं पता, कहीं पर उनको कुछ भी नहीं पता। ले दे के पूरे दिन में सिर्फ खाए हैं इतने से जीरा आलू, दैट्स 2 चाय या 3 चाय। आज 4 दिन के बाद खाना खाएंगे। लेकिन वो जो बच्चों के साथ रहने का मज़ा है कभी सोचा ही नहीं, वर्थ है क्या है कैसे हैं, जाएंगे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी मैंने जी है, मतलब हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया, अब तो खैर दिखा गए सब हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग एवरी मंथ 5 से 6 दिन बाहर होते थे। तो चलो अब आपको दिखाते हैं अपना रूटीन, आज से हो गए फुल रिचार्ज और अब चलते हैं सैलून। भी मेरे साथ सारे फास्ट रखती है। क्यों जो क्यों रोफी, खाओ खाओ। हमारे यहाँ पे लग चुकी है लंबी सी लाइन और अभी ऊपर बहुत सारे हैं। अभी ऊपर हो रही है ब्रैकल फेशियल, हैंड की ब्राइटनिंग, पता नहीं क्या गजर 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 बहुत सारा। बच्चे लोग इतना दूर दूर से आए हैं, मतलब मुझे था कि मैं 2 घंटे सो जाऊंगी। जैसे ही परवेश का फ़ोन आया कि ये लगन नहीं, नींद गई रात को, सबसे पहले मैं भाग के फटाफट यहाँ पर आ गई। चलो